यूपी में विधान परिषद उपचुनाव में दोनों सीट का चुनाव सोमवार को हुआ और देर शाम परिणाम घोषित भी कर दिया गया, जिसमें भाजपा के दोनों प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी पदम सेन चौधरी को 279 और सपा के रामकरण को 116 वोट मिले। वहीं अगर दूसरी सीट की बात की जाए तो भाजपा के मानवेंद्र सिंह को 280 और सपा के रामजतन को 116 वोट मिले। इस दौरान कांग्रेस ने वोटिंग का बायकॉट किया। विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी को पहले से ही पता था कि वो हारने वाली है, ऐसे में चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले नहीं थे। हालांकि जीतने के लिए सपा ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। इस दौरान सपा ने हर मौके पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। वहीं इस उपचुनाव के बाद अब विधान परिषद में भाजपा की सदस्य संख्या 82 हो गई है। सपा के 9 सदस्य हैं, अपना दल एस, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, बसपा, शैक्षिक दल, गैर राजनीतिक और निषाद पार्टी के एक एक सदस्य हैं। निर्दल समूह के 2 और 2 निर्दलीय सदस्य हैं। लंबे अरसे बाद परिषद में 100 सदस्य हुए हैं। वहीं चुनाव के नतीजे के आने के बाद बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी को दलित और पिछड़ा विरोधी बताया। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित व ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना तथा ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना, ये साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली। सपा व इनकी रही सरकारों के दौरान इनकी ऐसी ही संकीर्ण व घृणित राजनीति से दलितों एवं अकलियत समाज के लोगों का काफी अहित होता रहा है। इसलिए आगे ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्गों के लोगों को हमेशा बहुत ही सावधान रहने की सख्त जरूरत है, बीएसपी की यह अपील। वहीं चुनावी नतीजे आने से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा को लेकर जमकर हमला बोला था। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर कुछ नहीं कहा था। वहीं मायावती लगातार समाजवादी पार्टी को दलित और पिछड़ा विरोधी बता रही हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 403 में से 396 विधायकों ने वोट दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह लगभग 9 बजे ही विधान भवन प्रांगण में पहुंचकर मतदान किया था। वहीं सपा विधायक रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी, मनोज पारस, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी, कांग्रेस के विधायक अनुराधा मिश्रा मोना, फरेंदा के विधायक वीरेंद्र चौधरी, बसपा के एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इन एमएलसी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट किया है। वहीं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव से किनारा कर लिया था। इससे प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण बनने के आसार बन रहे हैं। आपको बता दें कि सिक्किम के राज्यपाल बनने के बाद 15 फरवरी को बीजेपी एमएलसी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने इस्तीफा दिया था। वहीं बनवारी लाल दोहरे के निधन के बाद एक सीट खाली हुई थी। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का 30 जनवरी 2027 तक का कार्यकाल था। 6 जुलाई 2028 तक बनवारी लाल दोहरे का कार्यकाल था।